मैं आपको सिखाता हूँ एक और कैम का लिक्विड बैलेंस करना बहुत आसान तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहली स्टेप होती है, उसको डिवाइड कीजिए टू पार्ट में, LHS में डिवाइड कीजिए, देन आप RHS में डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, इस पर जितने भी एलिमेंट्स को नोट कीजिए। अल्मोनियम की वैल्यू 2 दे रखी है, सल्फर की वैल्यू 3, ऑक्सीजन की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 3 12, देन 1 टोटल दे रखा है 13 दे रखा है, देन पोटेशियम वैल्यू इज 1, देन हाइड्रोजन की वैल्यू इज 1। इतना आपने कर लिया, एक काम आपको इधर भी करना है। क्या करेंगे, एल्युमिनियम की वैल्यू 1 दे रखा है, सल्फर की वैल्यू देखिए 1 दे रखा है, ऑक्सीजन की वैल्यू चेक कीजिए 3 एंड 4 टोटल 7, देन पोटेशियम की वैल्यू इज 1, देन पोटेशियम की वैल्यू इज 2, देन हाइड्रोजन की वैल्यू इज 3 एंड 2 चेक कर लिए। ठीक है, इतना तो हम लोगों ने काम कर लिया। ये होते पहले स्टेप। अब आता है सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप क्या करता है, वैल्यू को चेक किया आता है कि बैलेंस है या नहीं बैलेंस है, कितने नंबर बैलेंस है और कितने नंबर नहीं बैलेंस है। चलिए पता लगाते हैं कि कैसे चेक किया आता है। एल्युमिनियम 2 है और यहाँ पर क्या हमारा 1 दे रखा है डिफरेंस है, सल्फर 3 है यहाँ पर 1 डिफरेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पर 13 है यहाँ पर 7 डिफरेंस आ रहा है, पोटेशियम 1 है यहाँ पर 2 डिफरेंस, हाइड्रोजन 1 है एंड ये 3। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू कितनी हमारी डिफरेंस आ रही है, मीन्स ये हुआ हमारे रिएक्शन में बैलेंस नहीं। अब आते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या होता है, रिएक्शन का बैलेंस क्या होता है। अब देखिए मैं कैसे रिएक्शन बैलेंस करता हूँ बहुत आसान तरीके से। अब देखिए एल्युमिनियम 2 है तो क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यू कितना होगा 2, ये 2 कहाँ पर करेंगे यहाँ पर करेंगे, 2 एल्युमिनियम हो गया, क्लियर हो गया। अब 2 का जो इफेक्ट होगा कहाँ पर होगा, इसके अंदर भी होगा, तो कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो 6 हो जाएगा, कितना होगा हमारे यहाँ पर 6 हो गया, क्लियर हो गया। तो हाइड्रोजन में भी क्या होगा हमारा मल्टीप्लाई होगा, ये भी वैल्यू कितनी होगी हाइड्रोजन में 6 हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए जब ये हाइड्रोजन हमारा 6 हो तो इधर भी कितना रखा, 1 रख, क्या करेंगे यहाँ पे 6 कर दीजिए, तो वैल्यू कितनी होगी हमारी 6 हो गई, तो मल्टीप्लाई क्या होगा ये 6 हो गए, क्लियर हो गया। तो 6 एंड मल्टीप्लाई इसमें भी ऑक्सीजन में, तो वैल्यू क्या होगा चेंज हो गई, कितना हो गया हमारा टोटल 18 हो गया, क्लियर हो गया। और पोटेशियम कितना हो गया हमारा 6 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर वैल्यू काफ़ी चेंज आ रही है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई होगा पोटेशियम में, कितने हो गया हमारा ये भी 6 हो गया, पोटेशियम सेम हो गया। इसका इफेक्ट कहाँ होगा, सल्फर में होगा, तो मल्टीप्लाई कहाँ होगा 3, तो ये भी क्या होगा 3 हो गया, सल्फर भी 3 हो गया, सल्फर भी हमारा 3 हो गया। अब मल्टीप्लाई कहाँ होगा ऑक्सीजन में, तो 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे कितना होता है हमारा 12 होता है, तो ये हमारा चेंज हो गया, तो 4 मल्टीप्लाई 3 अब देखिए वैल्यू कितनी आ गई 6 एंड 12 कितना हो गया 18 हो गया, ये भी 18 और ये भी 18 हो गया, तो वैल्यू क्या हो गया सारी हमारी क्या हो गई सेम हो गई। आपने देखा ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी, आप लोग के सीखने के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, थर्ड स्टेप में मैंने कंप्लीट की और आपने देखा कितना आसान तरीके से मैंने किया। अब आपको यही काम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी रिएक्शन आसान लगेगी, आप आपका काम का बहुत आसान तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल भी प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।